बस इतनी ओवरलोड थी कि आगे वाला टायर ही पंचर है। क्या किया जाए, तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जो हमारी जो बस है वो पंचर हो गई। अंबाजी ST बस स्टैंड ये है, हमारी बस खड़ी है, ये रही सामने लग्जरी कोच में, बरोड़ा अंबाजी वाद्रा। बस का जो टाइमिंग है अंबाजी बस स्टॉप से 1:45 का टाइम है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे न्यू वीडियो में। और आज की जो ये हमारी जर्नी होने वाली है माता के 51 शक्तिपीठ में से एक धाम अंबाजी से, और अंबाजी बस स्टॉप हम आज खड़े हैं और यहाँ से हम जर्नी करने वाले हैं अहमदाबाद के लिए। आज की हमारी जो बस है स्काई ब्लू में, न्यू स्काई ब्लू में जो GSRTC की जो बस चल वो वाली बस में आज जर्नी करने वाले अंबाजी से अहमदाबाद के लिए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको विजिट करा देता हूँ यहाँ का बस स्टॉप अंबाजी का। अंबाजी ST बस स्टैंड ये है, और मंदिर विजिट करने के बाद आप यहाँ से बस पकड़ सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्रेस बस और बहुत सारी बसेस आपको मिल जाएगी, आपको जहाँ भी जिस रूट पे भी जाना हो। हमारी बस खड़ी है, ये रही सामने लग्जरी कोच में। तो आज हम इस बस में अंबाजी से अहमदाबाद जाने वाले हैं। बस का जो टाइमिंग है अंबाजी बस स्टॉप से 1:45 का टाइम है, और आराम से आप लोग मंदिर विजिट करने के बाद मॉर्निंग में अगर जो आप अपना जाते हो तो मंदिर विजिट करने के बाद 1:30 बजे के बाद आप ये वाली बस ले सकते हो, अंबाजी से अहमदाबाद जाती है। तो फिलहाल इस बस को बोर्ड करते हैं। आज की ये जो हमारी जर्नी होने वाली है अराउंड 4-4.5 घंटे की जर्नी है, इसलिए सबसे पहले इस बस को बोर्ड करते हैं, देन आगे अंदर का जो इंटीरियर है बस का वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर से कुछ बस देख लीजिए स्काई ब्लू में कुछ ऐसा है पूरी। तो चलिए चलते हैं, इस बस को फटाफट से बोर्ड करते हैं, देन आगे की जो जर्नी है वो अंबाजी से कंटिन्यू अहमदाबाद के लिए करते हैं। ये वाली बस है बरोड़ा अंबाजी वाद्रा तक जाती है, और बीच में जो है जो रूट है इसका कुछ ऐसा ही है। तो चलिए, ये रहे हमारे ड्राइवर सर। बस का जो इंटीरियर है आप लोग देख सकते हो, लगेज कंपार्टमेंट ऊपर की साइड में है, और 2x2 का कॉम्बिनेशन है सीटिंग अरेंजमेंट, पुशबैक सेट है। GSRTC की जो न्यू स्काई ब्लू में लग्जरी कोच में बस जो चलती है अंबाजी से अहमदाबाद के लिए, बीच में इसका रूट बोर्ड मैंने आपको दिखाया है, तो देख लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है। और ये रही ड्राइवर की केबिन, और हमारे कंडक्टर सर यहाँ पे हैं। तो इस जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से अंबाजी बस स्टॉप से। बस जो है अंबाजी बस स्टॉप से निकल रही है, और बस का जो टाइमिंग है 1:45 का है। अराउंड ये बस जो है वो 15 से 20 मिनट लेट है। ड्राइवर अंकल बोल रहे हैं कि डेपो वाले जाने नहीं देते, 15 से 20 मिनट स्टॉप करके ही रखते हैं पैसेंजर को, यानी परेशान करने के लिए, है ना। ये अपना दांता का बस स्टॉप है। अंबाजी से निकल के हमको अराउंड हो चुका है आधे घंटे के आसपास, अराउंड हमने कम्प्लीट कर लिया। पहला स्टॉप जो आया था वो हमारा दांता था, और अभी आप लोग देख सकते हो बस में, और हमारा डिस्टेंस है अंबाजी से अहमदाबाद तक का वो 183 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। और जो उसका पर पर्सन लग्जरी कोच के जो GSRTC की जो स्काई ब्लू में चलती है बस लग्जरी, उसका जो पर पर्सन का जो अहमदाबाद तक के लिए है 206 रुपये पर पर्सन, तो कुछ ऐसा टिकट का प्राइस है। चलिए आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं। अभी जो भी स्टॉप आता है बीच में वो सब मैं आपको बताऊँगा, कितना स्टॉप कितने मिनट का होल्ड है, कौन कौन सा जो आता है स्टॉप। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और आगे कैबिन राइड्स देख लीजिए सामने, आपको पहाड़ वगैरह देखो, और खेती भी है बीच में, और गांव भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, कमेंट करके बताइए हमें कि सच में ये खूबसूरत है कि नहीं। सतलासन बस स्टॉप है, देख सकते हैं यहाँ पे राम भवन की चौक है यहाँ पे। तो ये सतलासन का जो है लोकल बस स्टैंड है, और ये रहे हमारे कंडक्टर सर, सबकी टिकट चेक कर रहे हैं रिजर्वेशन की। बस हमारी निकल रही है सतलासन से, और देख सकते हो आसपास का कैसा है।
हमारी बस ये लगी, बीस नगर का बस स्टॉप है, देख सकते हो सामने आपको बहुत सारी बसेस देखने के लिए ये मिल जाएगी। बगल में एक्सप्रेस बस लगी हुई है और हमारी बस ये रही। तो ये कुछ अराउंड बीस नगर का जो है ये बस स्टॉप है, सर्विस सेंटर भी सामने की साइड है। अराउंड जो हमारी जर्नी है वो अराउंड हमने 80 किलोमीटर तक की, मतलब 80 किलोमीटर तक की जो जर्नी है वो अराउंड हमने कंप्लीट कर ली है। डायरेक्ट हमारा अंबाजी से डायरेक्ट बीस नगर आए, क्योंकि बीच में दो तीन होल्ड हुआ था, वो एक एक मिनट का ही था क्योंकि बाईपास था तो ऐसा कुछ था। और ये मेन यहाँ पे 10 मिनट का जो है वो होल्ड है। देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हमारा कौन सा होता है। वैसे तो रानी पाएगा बीच में, अगर जो कोई स्टॉप आता है तो वो स्टॉप भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। और अगर जो आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। अरे गांधीनगर वाला आगड़ आता रहे, नहीं तो उतरवाए नहीं दे आता रहे जे हुए। ना पाड़ते जो भी आगड़ होता जटिया आगड़ फंसता ना वधारे। अंबाजी से गांधीनगर तक का जो डिस्टेंस था वो 155 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो हमने कवर कर लिया है। अभी अब यहाँ से 28 किलोमीटर तक की जर्नी है अहमदाबाद के लिए। और यहाँ पे एक मिनट का ही होल्ड था पत्रिका पे गांधीनगर। और मैंने आपको यहाँ से ऊपर एक मिनट का ज़्यादा नहीं, तो बाहर से ही दिखाया मैंने बस में से। तो अब फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, बस को जो है अपनी बस है, अपनी बस है लक्ष्मी कोच में, वो अभी पूरी फूल हो गई है यहाँ से लखीका से, क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद के लिए पैसेंजर क्या बोलते हैं एक्सप्रेस अभी थोड़ी लेट हो गई, इस वजह से इसमें भीड़ आ गई है। लोग खड़े देख सकते हो आप लोग पीछे भीड़ है। तो और डायरेक्ट अहमदाबाद से निकलेगी ये मात्र है। चलिए चलते हैं, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अराउंड यहाँ से लगेगा अभी 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा अहमदाबाद बस स्टॉप पहुँचने। चलिए फटाफट से चलते हैं, जर्नी को कंप्लीट करते हैं। साहब ये रही बस, बस इतनी ओवरलोड थी कि शायद एक टायर में पंचर हो गया। पाड़ू तो पड़े ना आज, तू शायद तू करे तुम्हें। ये रही बस, क्या किया जाए। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जो हमारी जो बस है वो पंचर हो गई, बट कोई ना, देखते हैं। यहाँ से अहमदाबाद ज़्यादा नहीं है, करीबन 7-8 किलोमीटर है। देख लो कान पीछे गाड़ी पड़ी है, तो फटाफट चलते हैं मेरे ख्याल से। देखते हैं ड्राइवर सर से बात करते हैं, अगर जो दूसरी गाड़ी आती है तो उसमें अहमदाबाद तक चले जाएंगे हम लोग, नहीं तो फिर डायरेक्ट अब मेरे को लगता है कि यहाँ से घर ही निकलना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शायद यहीं पर एंड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं भाई, देख लो कैसा पंचर हुआ है। ये देखो आगे वाला टायर ही पंचर है।